आज जब हम उत्सवों की चर्चा कर रहे हैं तब भारत एक और बड़े उत्सव की तैयारी में जुटा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी उसकी चर्चा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर समुद्र के तट पर जिसे आज हम कीर्ति मंदिर कहते हैं उस छोटे से घर में एक व्यक्ति नहीं एक युग का जन्म हुआ था जिसने मानव इतिहास को नया मोड़ दिया, नए कीर्तिमान स्थापित करवा दिए। महात्मा गांधी से एक बात हमेशा जुड़ी रही, एक प्रकार से उनके जीवन का वो हिस्सा बनी रही और वह थी सेवा, सेवा भाव, सेवा के प्रति कर्तव्य परायणता। उनका पूरा जीवन देखें तो साउथ अफ्रीका में उन समुदाय के लोगों की सेवा की जो नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे थे, उस युग में वो बात छोटी नहीं थी जी। उन्होंने उन किसानों की सेवा की जिनके साथ चंपारण में भेदभाव किया जा रहा था। उन्होंने उन मिल मजदूरों की सेवा की जिन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी। उन्होंने गरीब, बेसहारा, कमजोर और भूखे लोगों की सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य माना। रक्त पित्त के संबंध में कितनी भ्रमणाएं थी, उन भ्रमणाओं को नष्ट करने के लिए स्वयं रक्त पित्त से ग्रस्त लोगों की सेवा खुद करते थे और स्वयं के जीवन में सेवा के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। सेवा उन्होंने शब्दों में नहीं जीकर के सिखाई थी। सत्य के साथ गांधी का जितना अटूट नाता रहा है, सेवा के साथ भी गांधी का उतना ही अनन्य अटूट नाता रहा है। जिस किसी को जब भी जहां भी जरूरत पड़ी, महात्मा गांधी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहे। उन्होंने न केवल सेवा पर बल दिया बल्कि उसके साथ जुड़े आत्मसुख पर भी जोर दिया। सेवा शब्द की सार्थकता इसी अर्थ में है कि उसे आनंद के साथ किया जाए। सेवा परमो धर्म है, लेकिन साथ साथ उत्कृष्ट आनंद, स्वांतः सुखाय, इस भाव की अनुभूति भी सेवा में अंतर्निहित है। ये बापू के जीवन से हम भली भांति समझ सकते हैं। महात्मा गांधी अनगिनत भारतीयों की तो आवाज बने ही, लेकिन मानव मूल्य और मानव गरिमा के लिए एक प्रकार से वे विश्व की आवाज बन गए थे। महात्मा गांधी के लिए व्यक्ति और समाज, मानव और मानवता, यही सब कुछ था। चाहे अफ्रीका में फिनिक्स फार्म हो या टॉलस्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम हो या वर्धा, सब स्थानों पर अपने एक अनोखे अंदाज में समाज संवर्धन, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पर उनका हमेशा बल रहा। ये मेरा बहुत ही सौभाग्य रहा है कि मुझे पूज्य महात्मा गांधी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जगहों पर जाकर के नमन करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि गांधी सेवा भाव से संगठन भाव को भी बल देते रहते थे। समाज सेवा और समाज संवर्धन, कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यह वह भावना जिसे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में लाना है। सही अर्थों में यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है, सच्ची कार्यांजलि है। इस प्रकार के अवसर तो बहुत आते हैं, हम जुड़ते भी हैं, लेकिन क्या गांधी 150 ऐसे ही आकर के चला जाए हमें मंजूर है क्या? जी नहीं देशवासियों, हम सब अपने आप से पूछें, चिंतन करें, मंथन करें, सामूहिक रूप से बातचीत करें। हम समाज के और लोगों के साथ मिलकर के, सभी वर्गों के साथ मिलकर के, सभी आयु के लोगों के साथ मिलकर के, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबके साथ मिलकर के समाज के लिए क्या करें? एक व्यक्ति के नाते मैं उन प्रयासों में क्या जोड़ूं? मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन क्या हो? और सामूहिकता की एक अपनी ताकत होती है। इस पूरे गांधी 150 के कार्यक्रमों में सामूहिकता भी हो और सेवा भी हो। क्यों न हम मिलकर के पूरा मोहल्ला निकल पड़े। अगर हमारी फुटबॉल की टीम है तो फुटबॉल की टीम फुटबॉल तो खेलेंगे ही, लेकिन एकाध गांधी के आदर्शों के अनुरूप सेवा का काम भी करेंगे। हमारी लेडीज क्लब है,
आधुनिक युग की लेडीज क्लब के जो काम होते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन लेडीज क्लब की सभी सखियां मिलकर के कोई न कोई एक सेवा कार्य साथ मिलकर के करेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। किताबें इकट्ठी करें, पुरानी गरीबों को बांटें, ज्ञान का प्रसार करें, और मैं मानता हूं शायद 130 करोड़ देशवासियों के पास 130 करोड़ कल्पनाएं हैं, 130 करोड़ उपक्रम हो सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। जो मन में आए, बस सदिच्छा हो, सदहेतु हो, सद्भाव हो और पूर्ण समर्पण भाव की सेवा हो, और वो भी स्वांतः सुखाय, एक अनन्य आनंद की अनुभूति के लिए हो।